गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन चरण सिंह शहीद की कविता एक प्याला पानी पढ़ेंगे। चरण सिंह शहीद का जन्म 1892 ईस्वी में होया। उन्होंने अमृतसर में शहीद नाम का अखबार कढ़िया। उन्होंने जो कवितावां ने वो बहुत ही खास रस भरपूर ते सिख्यादायक ने। इसी तरह ही एक प्याला पानी अपन पढ़ते हैं, इहदे विच वी जो सिख्या दित्ती गई है कि सानू पानी जिहड़ा गा वो व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहीदा, क्योंकि परमात्मा उस रब के द्वारा जो सानू यह मुफ्त दिती गई दात आ, इसनों जिहड़ा गा व्यर्थ ना गवाईए। कि एक प्याला पानी दे विच वी दस्सिया कि किस तरह अकबर बादशाह कह रहा गा कि प्याले पानी की जिहड़ी आ कीमत वो अपना पूरा राज दे सकदा है। तां इस तरह दस्सिया कि कविता विच वी कवि कह रहा गा अकबर बादशाह ते उसका वजीर बीरबाला उहदे नाल संबंध उस कहानी नूं वर्णन कीता है कि जेकर अकबर बादशाह नूं बहुत ज्यादा प्यास लगी है, भाव कि अजिही स्थिति पैदा हो गई है, उस स्थिति के बदले में अब मुगल बादशाह अकबर नूं अपना पूरा विशाल राज जिहड़ा गा देना पैंदा है, ते मनुख जिहड़ा गा उस रब की बख्शिश की जिहड़ी है कीमत नहीं पाउंदा, उसका मुल पाउण की समर्था नहीं रखता, जिहड़ा कि रब उसनूं अणमिलिया ते अणतुल्या पाणी दे रहा है। अकबर नूं दरबार बैठिया त्रेह ने बहुत सताया, सैनत हुंदिया नफर प्याला जल ठंडे दा लियाया। सैनत दा मतलब हुंदा बच्चो इशारा, ते नफर दा मतलब हुंदा नौकर। तां कवि कहिंदा कि मुगल बादशाह अकबर जदों दरबार दे विच बैठा सी तां उसनूं बहुत ज्यादा प्यास लगी, प्यास ने उसनूं सताया, ते जदों उसने इशारा कीता ते इशारा हुंदिया ही उसदा नौकर जिहड़ा सी ओह ठंडे पाणी दा प्याला लै के खा गया। पकड़ प्याला बादशाह ने मूंह नूं चाहिया लाना, पासों बोल बीरबल उठिया जरा हाथ अटका। ते जदों मुगल बादशाह अकबर नौकर दे द्वारा लिआंदा होया पाणी दा प्याला अपने मूंह नूं लाउण लग्या तां कोल ही बैठा जो बीरबल सी उसदा वजीर सी ओह बोल पिया। उसने बादशाह नूं कहा कि अपने मूंह नूं पाणी लाउण तों पहलां ओह इक गल दस्सण, भाव कि पाणी पीण तों रुक जाण ते उसदे प्रश्न दा उत्तर दैण। पहलों दसो आप एक गल, जे पानी मुक जावे सै कोहां तक जतन कीत्या एक बूंद ना थ्यावे। सै कोहां दा भाव हुंदा कि सैकड़े कोहां तों, थ्यावे दा भाव हुंदा कि लब्बे प्राप्त ना होवे। तां बीरबल ने बादशाह अकबर नूं कहा कि पानी दा प्याला मूंह नूं लाउण तों पहलां ओह मैनूं एक गल दस्सण, भाव कि इह प्रश्न दा उत्तर दस्सण कि जेकर पानी जिहड़ा सारे पासे मुक जावे ते सैकड़े कोहां तक भी जतन करन दे बावजूद पानी दी एक बूंद भी प्राप्त ना होवे, अति प्यास लगी होई तुहानूं जल बिन मरदे जावो, माही वांग आप बिन तड़फे उल्ट बाजियां खावो। अति दा भाव आ कि बहुत ज्यादा, माही मच्छी आ दा मतलब हुंदा पानी मच्छी। तां इस विच अकबर नूं जिहड़ा बीरबल कहिंदा कि तुहानूं बहुत ज्यादा जिहड़ी आ प्यास लगी होई होवे ते प्यास दे कारण जिहड़ा गा तुसी मरन दे वांग तड़फदे हो, मरदे जावो, किस तरह जिस तरह मच्छी जिहड़ी आ पानी तों बिना तड़फदी आ ते उल्ट बाजियां खांदी आ, इन्नी बुरी हालत तुहाडी जिहड़ी आ ओह प्यास लगण दे करके होवे ते तुहानूं पानी प्राप्त ना हुंदा होवे। सच दस्से जे उस वेले कोई इक जल प्याला लियावे, ते सच्ची गल मैनूं दस्सना ठीक है, जेकर उस समय ते कोई तुहाडे लई इक प्याला पानी दा लैके आ जावे कि तुहाडी प्यास बुझाउण दे लई, की कुछ दिओ हजूर उस नूं, की कीमत पावे। तां हजूर उस व्यक्ति नूं जिहड़ा कि पानी दा प्याला तुहाडे लई लैके आवेगा उस नूं जिहड़ा गा की दिओगे, ते उस दे प्याले दी वाव के पानी दा प्याला जो लैके आया उस दी की कीमत दित्ती जावेगी। हस के अकबर कहन लगा जे ऐसी दशा व्यापी, दशा का भाव स्थिति हालत व्यापी पैदा हो जाए, अद्धा राज दियां लिस्ता खुशी नाल व्यापे। तो बीरबल का प्रश्न सुन के अकबर ने कहा कि जेकर अजिही हालत पैदा हो जाए कि पानी जिहड़ा गा किते भी प्राप्त ना होए ते मैं प्यास दे नाल तड़फदा होवां ते मेरे लिए पानी का प्याला कोई लैके आ जाए तो मैं हस के जिहड़ा गा अपना अद्धा राज उस प्याले पानी की कीमत दे वजों उसनूं दे देवांगा। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਲਦਾ ਪਿਆਲਾ ਗੱਟ ਗੱਟ ਸ਼ਾਹ ਚੜਾਇਆ। ਫੇਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਉੱਗ ਜਾਵੇ
रुक जावे पेशाब आपका जान प्यातन फाके। हुण मैनूं इह गल दसो कि जेकर तुहाडा इह पीता होया पाणी तुहाडे अंदर ही रुक जावे, भाव कि तुहाडा पेशाब जिहड़ा रुक जावे ते पेशाब रुकण दे नाल तुसीं तड़फण लग जावो, भाव कि दुखी होण लग जावो, तां फिर जिहड़ा गा तुसीं तुहाडे लई बचण लई उस कष्टों किन्ने पीर पैगंबर से। पीर का मतलब हुंदा महापुरख ते पैगंबर हुंदा रब का पैगाम लियाउण वाला हजरत मोहम्मद। जे इस समय कोई आके दसे कि दुख दूर किया जाए इस दे बदले विच इस अवजाने दे वजों तुहाडे कोलों अद्धा राज मंगे तां की तुसीं उस नूं देवोंगे जां ना देवोंगे। चकित होके शाह बोलिया जरा ढिल ना लवां, तां चकित दा भाव हुंदा हैरान होके अकबर बादशाह बोलिया कि मैं जरा भी ढिल ना लवां, मैं भाव किया कि जरा जिन्नी भी देरी नहीं लावांगा, बेशक अद्धा राज भाग मैं फौरन भेट करां। तां कहिंदा कि जेकर कोई अजिहा व्यक्ति आ जावे कि मेरे पेशाब के रुकण कारण जो मैं कष्ट सहा रहा तड़फ रहा ते उस कष्ट नूं दूर करे, उस दुख नूं दूर करे, तां मैं बिना देरी दे भाव के कि पहला ढिल कीते होया उस नूं अपना अद्धा राज जिहड़ा गा मैं बिना किसी संदेह दे दे देवांगा। हस के आखे वीर बालवीर इस तों साबत होया ते बादशाह अकबर नूं जदों वीरबल द्वारा किए गए जिहड़े प्रश्न आ उन्हां दे उत्तर दिंदिआं होइआं अपना अद्धा राज संकट दी हालत विच जो पाणी खत्म हो गया ते इक प्याले पाणी दी कीमत अद्धा राज ते अद्धा राज जिहड़ा गा कि उस दे पाणी अंदर रुकण पा के पेशाब दे रुकण कारण जो कष्ट आ उस नूं दूर करन वाले नूं अद्धा राज देवेगा भाव कि उस दा पूरा राज। तां उसने हस के कहा कि इस तों इह साबत होइआ कि इक प्याले पाणी दी कीमत जिहड़ी आ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਅਣ ਮਿਣਿਆ ਤੁਲਿਆ ਇਹ ਜਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅਣ ਮਿਣਿਆ ਅਣ ਤੁਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਸੁਥਰੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੰਨ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਣ ਮਿਣਿਆ ਤੇ ਅਣ ਤੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਅਣ ਬਿਨਿਆ ਤੇ ਅਣ ਤੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।